है फैला नीला समुंदर और समुंदर किनारे हम यानी साजबो साजिश की टीम और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मालदीव में ऐश्वर्या सखुजा। ऐश्वर्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है पारस जी, यहाँ पर आप लोग मुझे लेके आए तो उसके लिए थैंक यू सो मच एबीपी। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आके आई थिंक आप भी बहुत फ्रेश महसूस कर रहे हैं। आई एम ऑल रिफ्रेश क्योंकि ऐसा समंदर, इतना क्लियर पानी मैंने बॉम्बे में नहीं देखा, सो दिस इज लाइक रियली गुड। पहला दिन है मालदीव्स में और पहले ही दिन हम लोग एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ये सी प्लेन्स देख रही हैं आप, ये सी प्लेन आपकी पहली सवारी होगी। हाँ, मुझे पता है कि ये सी प्लेन मेरी पहली सवारी होगी और एक्चुअली सी प्लेन में ये मेरी पहली सवारी ही होगी, मैं कभी सी प्लेन में नहीं उड़ी हूँ। वैसे मालदीव्स पानी की जगह है, पानी की कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, मोर देन 2000 आइलैंड्स, तो पानी से डर तो नहीं लगता आपको, क्योंकि यहाँ पे पानी के अंदर जाना बिल्कुल कंपलसरी है। आई एम अ वाटर बेबी पारस, आई थिंक अगर आप लोग मुझे मालदीव्स लेके आए हो तो दिस इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर मी, क्योंकि अब आप लोगों को मुझे पानी से बाहर निकालने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। मालदीव्स में अपने इस शानदार बीच रिजॉर्ट पर पहुंचने के बाद ऐश्वर्या के सामने था ये नीला समंदर। समंदर में मचलती लहरें और ताजी ताजी हवा, इसी माहौल का भरपूर मजा लेने के लिए ऐश्वर्या ने बगैर देर किए छलांग लगा दी समंदर में। और ये छलांग उन्होंने कैसे लगाई, आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स की। वाटर स्पोर्ट्स के लिए ऐश्वर्या, और आपकी पहली सवारी बड़ी एक्साइटिंग दिख रही है, क्यों? मेरी पहली सवारी बहुत एक्साइटिंग दिख रही है, मेरी पहली सवारी है जेट्स की और मैंने जिंदगी में आज तक नहीं चलाई है, एंड आई डोंट नो हाउ इट्स गोना बी, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके बाय। तो ऐश्वर्या, जेट स्की की सवारी तो हो चुकी है, आपके लिए एक दूसरी सवारी भी हमने तैयार रखी है, जरा उधर नजर डालिए। राइड तुमने करा दी, थर्ड राइड मैंने अरेंज की है, बनाना बोट राइड, ठीक है? इतनी लंबी राइड? हाँ, तो बनाना बोट राइड इसी को कहते हैं। अच्छा, ठीक है, क्या करना है इसमें? कुछ नहीं, बैठना है और वही स्पीड बोट हमें आगे लेके जाएगी। आप इस पे बैठिए और मैं आपको दूर से देखूंगा और आपके पिक्चर्स भी खींचूंगा। वैसे इनको बिठा तो दिया है, लेकिन इनके लिए एक बहुत ही शानदार सरप्राइज है। ये जब बीच समुंदर में जाएंगी ना थोड़े गहरे पानी में, तो ये बनाना लीफ पलट जाएगी और ये सीधे पानी के अंदर जाएंगे। आप देखना चाहते हैं कैसे? देखिए,
आ रही है, मैंने क्या किया है? लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि आपको बनाना राइड पे बैठना है। तुम इसीलिए नहीं आए ना मेरे पीछे? अरे मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। अगर मुझे तैरना आता तो मैं जरूर जाता आपके साथ। क्या डेकोरेशन के लिए पहनी है तुमने? ना भरोसा नहीं होता ना लाइफ जैकेट के ऊपर। बट यू नो स्विमिंग, अगर मुझे स्विमिंग नहीं आती तो वी न्यू दैट कि आपको स्विमिंग आती थी, इसीलिए हमने आपको वहाँ भेजा। सो कैसा था, कैसा एक्सपीरियंस था? बीच समुंदर में गोते लगा रही थी आप? गोते लगा रही थी। आई डिडंट रियली रियलाइज कि वो बोट कब वो हुई टॉपल ओवर एंड आई जंप्ड। ओह नो। एंड थैंकफुली मतलब सेंस थी कि नाक वाक मैंने बंद कर लिया एंड आई जस्ट यू नो हेल्ड ऑन टू माय ब्रेथ। लेकिन दो मिनट के लिए लगा कि इट्स गॉन, बट व्हाट अ रश। मालदीव्स का समंदर और यहाँ के बीचेस फेमस हैं अपने सतरंगी कोरल्स के लिए, और ऐश्वर्या भी मचल उठी यहाँ की मरीन लाइफ देखने के लिए। उन्होंने ठान लिया कि उन्हें स्नॉकलिंग करनी है, और हमने भी ऐश्वर्या की इस ख्वाहिश को पलक झपकते पूरा किया और स्नॉकलिंग गियर्स ऐश्वर्या की खिदमत में पेश कर दिए। स्नॉकलिंग करते वक्त ऐश्वर्या को नजर आई गहरे नीले समुंदर में ये रंग बिरंगी मछलियाँ और पूरी दुनिया से अलग ये मरीन लाइफ, एक ऐसी जिंदगी जिसमें अपनी हर एक सांस का हिसाब लिया जा सकता है। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशी, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें। ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। मेरे लिए स्नॉर्कलिंग खत्म, but please, 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 this goes out to all my fans. You have to try this. It is the best thing ever. Thank you, Maldives, and thank you, Mother Nature, for making nature so pretty. ऐश्वर्या सबसे पहले ये बताइए कि स्नॉकलिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्नॉकलिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार था, थोड़ा सा पेनफुल भी रहा बिकॉज मैंने ये पहली बार ट्राई किया है एंड आई एम नो प्रो एट इट, तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़े बहुत कट्स लग गए, बट सीरियसली इट वॉज वर्थ इट क्योंकि आई रियलाइज कि नीचे एक अलग ही दुनिया है और उसको अपनी आँखों से देखना इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। तो आई थिंक सबको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो ये बताइए कौन कौन सी फिशेस देखी आपने, किस किस रंग की फिशेस देखी अंदर? मैंने आई थिंक पॉसिबली हर रंग की फिश देखी है, और ये ब्लू ग्रीन, मैंने पता नहीं पैरेट फिश और नीडल फिश और स्नैपर्स, और मैंने शार्क देखी। सो इट्स बीन अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस। अभी हम स्पा में आए हुए हैं और ऐश्वर्या बहुत ही जल्द एक स्पा ट्रीटमेंट के लिए जाने वाली हैं। सो ये बताइए कौन सा ट्रीटमेंट लेने वाली हैं आप? मैं यहाँ पे थोड़े टाइम से हूँ और मैं टैन हो गई हूँ, तो आई थिंक फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू गेट रिड ऑफ इज अ टैन। वैसे बाहर के लोग जो यूके या यूएस से आते हैं या फ्रांस से आते हैं, ऑल द यूरोपियंस, वो टैन होना चाहते हैं, मैं टैन होना नहीं चाहती, तो आई थिंक आई विल गो फॉर एंटी टैनिंग ट्रीटमेंट राइट नाउ। मर जाऊं, 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 मर
आज दिल गुस्ताग है, पानियों में आग है, धड़कन भी बेदाग है, चल चल शरारत दे, सांसों में सैलाब है, क्या दूरी ना लाभ है, धड़कन भी बेदाग है, चल चल शरारत दे। ऐश्वर्या ने अपने रिलैक्सेशन के लिए सिर्फ स्पा ट्रीटमेंट ही नहीं करवाया बल्कि रिजॉर्ट के इस ब्यूटीफुल पूल को देखते ही ऐश्वर्या ने स्विमिंग करने का भी मन बना लिया। ऐश्वर्या एक बहुत अच्छी तैराक है और इस वक्त वो अपनी ही दुनिया में है, खुद इस पल को भरपूर एंजॉय कर रही है वो। मालदीव्स में अब तक ऐश्वर्या ने काफी धमाल किया, दिन भर तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स किए, समुन्द्र में डुबकी भी लगाई और साथ ही साथ स्पा भी करवाया। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था जनाब। हमने समुन्द्र किनारे बीच पर ऐश्वर्या के लिए एक खास डिनर का इंतजाम किया था और ऐश्वर्या की शाम को और भी रंगीन और यादगार बनाने के लिए हमारा साथ दिया मालदीव्स के लोकल फोक डांस ग्रुप ने। बोरू बेरू के नाम से जाने जाने वाले इस डांस और सॉन्ग फॉर्म ने ऐश्वर्या को खूब एंटरटेन किया। यही नहीं, ऐश्वर्या ने खुद भी इस फोक सॉन्ग और डांस फॉर्म को ट्राई किया। उन्होंने खुद ये ढोलक अपनी कमर पर बांधी और शुरू कर दिया ताल से ताल मिलाना। नाच गाना और फुल टू एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पूरा हुआ तो पेट पूजा की भी याद आ गई, जिसके लिए हमने बीच पर ही बारबेक्यू का इंतजाम किया था। ये खास इंतजाम देखकर तो ऐश्वर्या सातवें आसमान पर पहुंच गई। आई थिंक आज मुझे ढोल बजाने के साथ साथ बारबेक्यू करना भी सीख लेना चाहिए। अरे भाई, अब तक तो कुकिंग सीखने का मन बना चुकी थी ऐश्वर्या, तो इसलिए उन्होंने खुद भी बारबेक्यू बनाना ट्राई किया। लगता है ऐश्वर्या आपका अगला स्टॉपेज सीधे मास्टर शेफ ही है। चलिए ऐश्वर्या, अब जरा आराम कर लीजिए क्योंकि कल आपके लिए और भी कई सरप्राइजेस हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट।